सैयद साजिद पाशा कादरी फेमस स्कॉलर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल महाराष्ट्र से जिला बीड से जो है मोहम्मद अकबर रजवी हैं, वो पूछते हैं कि क्या मुसाफिर पर जुमा की नमाज फर्ज है या नहीं है। मौजूद सामईन और नाज़रीन इकराम, मुसाफिर की नमाज के मसाइल के ऊपर, बंदा मुसाफिर कब बनता है और किन नमाजों में कसर करना है, किन नमाजों में कसर करना नहीं है, मुसाफिर नियत किस तरीके से करेगा, कितने किलोमीटर पर वो मुसाफिर कहलाएगा, ये तमाम इसकी डिटेल जो है मुसाफिर की नमाज के मसाइल आगे आप सैयद साजिद पाशा कादरी अगर टाइप करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक तआला वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। रहा सवाल कि मुसाफिर पर जुमा की नमाज फ़र्ज है या नहीं है, उलमाए कराम फरमाते हैं फतावा आलमगीरी में और कुदूरी की शरह लुबाब में और बहरु राइक में, दुर्रे मुख्तार में और हिदाया शरीफ में, दीगर कई फ़िका की किताबों में ये बातें मौजूद है कि मुसाफिर इमाम अगर नमाज जुमा की इमामत करता है तो उसकी इब्तिदा में नमाज बिला किराहत हो जाएगी। यानी अगर मुसाफिर शख्स जुमा की नमाज अगर पढ़ाए तो उसकी नमाज हो जाएगी, कि इमामत जुमा के लिए मुकीम होना शर्त नहीं है। जिस तरह मुकीम शख्स के लिए इमामत के शरायत पाए जाने की सूरत में नमाज जुमा की इमामत दुरुस्त है, इसी तरह मुसाफिर के लिए भी नमाज जुमा पढ़ना ये दुरुस्त है। उसके अलावा बाज़ लोग ये गुमान करते हैं कि मुसाफिर पर जुमा फ़र्ज नहीं, लिहाजा इमामत भी नहीं कर सकता, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुसाफिर पर जुमा अगरचे फ़र्ज नहीं मगर अदा करने की सूरत में जुमा जो है उसका सही हो जाएगा और उसकी जुमा की नमाज हो जाएगी। तो अगरचे मुसाफिर पर जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं है लेकिन जुमा की नमाज उसे तर्क नहीं करना चाहिए। अगर वो जुमा ही के दिन अगर वो सफ़र कर रहा है तो या तो वो सफ़र से पहले ही जहाँ पर जल्दी जुमा हो वहाँ पर जुमा उसको अदा कर ले, दौरान सफ़र था, बस में था, ट्रेन में था और वक्त ही नहीं मिला तो इस सूरत में उसके लिए रियायत है। लेकिन वो जिस मुकाम पर मौजूद है जानबूझकर, बहुत सारे हजरात ये कहते हैं कि हम मुसाफिर हैं, बाजू ही मस्जिद में अजान भी हो रही है, कई मसाजिद वहाँ पर मौजूद है, जानबूझकर भी कई लोग जो है जुमा की नमाज को नहीं पढ़ते। जब उनसे पूछा जाए कि क्या आप जुमा की नमाज क्यों नहीं पढ़ते तो कहते हैं कि हम मुसाफिर हैं। अगरचे आप मुसाफिर हैं लेकिन जुमा की नमाज अगर आप पढ़ लें तो आपकी नमाज हो रही है, नमाज हो जाएगी। तो रियायत का मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर जो है उसको आप छोड़ दें, सफर में थे, ट्रेन में थे, बस में थे या आप जो है किसी और जगह पर थे कि जहां जुमा हो ही नहीं सकता आपका, तो तब एक अलग बात है। लेकिन आप मौजूद हैं, पढ़ सकते हैं नमाज जुमा, लेकिन जानबूझकर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जहां आपको मौका मिले मुसाफिर जुमा की नमाज पढ़ सकता है और उसको उसका सवाब भी जो है जरूर मिलेगा। वल्लाहु आलम व रसूलहु आलम। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे YouTube चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।